हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यार चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब्स टेलर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जब भी कोई अमीनो एसिड है उसे हम लोग डिजॉल्व अगर वाटर में करते हैं तो वाटर में जो है वो एग्जिस्ट करता है डाइपोलर आयन या जुटेर आयन की फॉर्म में। ठीक है, तो इसे हम लोग पहले अच्छे समझ लेते हैं कि एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल आखिर होता क्या है। ठीक है, तो देखिए, जब भी आप कोई भी अमीनो एसिड, मैं आपको यहाँ पे जो है अच्छे समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो देखिए, जब भी आपको आप जो है अमीनो एसिड को वेन एवर या वेन अमीनो एसिड इज डिजॉल्व इन वाटर देन इट एग्जिस्ट इन सॉल्यूशन एज डाइपोलर आयन और जुटेर आयन। ठीक है, अब यहाँ पे जो है जैसे ही हम लोग अमीनो एसिड डिजोल्व करते हैं वाटर में तो वो सोल्यूशन में रहता है, या तो डाइपोलर आयन की फॉर्म में या हम इसे बोल सकते हैं जुटेर आयन की फॉर्म में। ठीक है, अब होता क्या है यहाँ पे, अब ये जो जुटेर आयन है ये जो है एज एन एसिड भी एक्ट कर सकता है या एज एन बेस भी एक्ट करता है, वो डिपेंड करता है उसकी कंडीशन के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये जुटेर आयन है, जुटेर आयन कैन एक्ट आइदर एन एसिड और आ बेस। ठीक है, अब यहां पे देखिए, अगर एसिड की हम बात कर रहे हैं तो एसिड का मतलब क्या है कि ये प्रोटॉन डोनर की तरह एक्ट कर सकता है। किसकी तरह? प्रोटॉन डोनर। और अगर यहां पे हम बात कर रहे हैं बेस की, तो यहां बेस का मतलब क्या है कि ये प्रोटॉन एक्सेप्टर की तरह वर्क कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो डिफरेंट टर्म है। जब भी आप जो अमीनो एसिड डिजोल्व करते हैं सॉल्यूशन में तो वो डाइपोलर आयन की फॉर्म में रहता है, जिसे हम लोग ज्यूटेर आयन भी बोलते हैं, और ये जो ज्यूटेर आयन है ये एक्ट करता है आइदर एन एसिड और अ बेस। एसिड मीन्स एज एन प्रोटॉन डोनर, बेस मीन प्रोटॉन एक्सेप्टर। ठीक है, तो ये दो जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ज्यूटेर आयन जो है वो एक्ट कर सकता है एसिड की तरह या प्रोटॉन डोनर की फॉर्म में या बेस की तरह प्रोटॉन एक्सेप्टर की फॉर्म में। ठीक है, अब हम इसे जो है एक एग्जाम्पल या एक डायग्राम के थ्रू जो है वो समझेंगे स्ट्रक्चर फॉर्म के थ्रू। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम बना लेते हैं एक स्ट्रक्चर, तो मैं आपको यहाँ बना के दिखाता हूँ। तो सपोज हमने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना रखा है इंटरमीडिएट पीएच पे सी एच आर, यहाँ पे आपका एन पॉजिटिव एच थ्री और यहाँ पे आपका सी डबल ओ या आपका कार्बोक्सिल ग्रुप यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो ये देखिए कि इंटरमीडिएट पीएच पे जो है आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर है जुटेर आयन का। तो ये सपोज ये इंटरमीडिएट पीएच पे आपका है, इंटरमीडिएट पीएच पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दो कंडीशन आपकी जो है वो पॉसिबल कंडीशन है, तो मैं आपको बता देता हूँ, और ये कंडीशन जो है रिवर्सिबल होती हैं। ठीक, कंडीशन ये क्या होती हैं? रिवर्सिबल। ठीक है, तो सबसे पहले आपके यहां पे कंडीशन क्या हो सकती है, देखिए, जब जो है कॉन्सेंट्रेशन हम लोग हाइड्रोजन आयन का बढ़ा देंगे, ठीक है, अगर कॉन्सेंट्रेशन हम लोग हाइड्रोजन आयन का बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब जो है उसका पीएच क्या हो जाएगा, उसका पीएच क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। ठीक है, एट हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन उसका पीएच जो है घट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लो पीएच पे जो है कैसे ये एक्ट करेगा या किस फॉर्म में एक्ट करेगा वो मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे देखिए, ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप है ये कौन सा आपका ग्रुप हो गया, ये कार्बोक्सिल ग्रुप हो गया। तो अगर यहाँ पे हाइड्रोजन आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन एटम जो है वो बढ़ जाएंगे, तो यहाँ पे CO ग्रुप है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज ये हट जाएगा और ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका जो प्रोटॉन है वो एक्सेप्ट हो जाएगा और ये आपका COOH बन जाएगा। ठीक है, तो ये कब हमारा होगा, एट लो पीएच, मतलब आपका यहाँ पे हाइड्रोजन जो आयन्स है
उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ गया है। ठीक है, तो इसे मैं आपको डायग्राम के थ्रू बता के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी, ये आपका आर हो जाएगा, ये आपका एच हो जाएगा, ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी डबल बॉन्ड ओ, और ये आपका क्या होगा, जो ओ निगेटिव था यहाँ पे क्या होगा, ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोजन आयन्स का है वो बढ़ रहा है, तो यहाँ पर आपका ओ एच हो जाएगा, और साइड में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा एन एच एन, और यहाँ पे आपको जो है H3, और यहाँ पे आपको जो है पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो है वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप क्या क्या हो जाएगा, एन, ये आपका यहाँ पे H3, और यहाँ पे आपका ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब, हमारे कहने का यहाँ पे क्या मतलब हुआ है, कि यहाँ पे जैसे ही जो है आपका हाइड्रोजन आयन जो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, जिसकी वजह से जो पीएच है वो यहाँ पे आपका लो पीएच हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पे आपका पीएच क्या हो जा रहा है, लो हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे जो पीएच है वो आपका कम हो जाएगा, और साथ ही साथ जो यहाँ पे आपका चार्ज देखने को मिल रहा था, निगेटिव चार्ज जो आपका कार्बोक्सिल ग्रुप पे था, यहाँ पे हाइड्रोजन को एसेप्ट करके ये आपका हो गया COOH ग्रुप बन गया यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, तो यहाँ पे आपका चार्ज क्या रहेगा, वो पॉजिटिव चार्ज रहेगा, यानी कि आपका प्लस चार्ज रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अमीनो ग्रुप के ऊपर यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे आपका जो चार्ज रहेगा वो आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि जो आपका मॉलिक्यूल रहेगा उसका जो ओवरऑल चार्ज की अगर हम बात करें, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये आपकी एक कंडीशन हो गई, तो ये आपकी फर्स्ट कंडीशन हो गई है कि ज्यूटेरियन आयन कैसे बिहेव करेगा। अब हम बात करें दूसरी कंडीशन की, तो दूसरी कंडीशन क्या है कि सपोज अब आपका क्या होता है कि जो है कॉन्सेंट्रेशन जो हाइड्रोजन आयन का है वो कम हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, दूसरा केस है, यहाँ पे क्या हुआ था, जो कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोजन आयन्स का वो बढ़ गया था, जिसकी वजह से यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप ने क्या किया, उसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया, और यहाँ पे जो आपको चार्ज देखने को मिला वो पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलेगा, यानी ये जो मॉलिक्यूल है ये पॉजिटिव है। सिमिलरली दूसरा केस में क्या है कि जब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन जो हाइड्रोजन आयन का है वो लो हो गया। ठीक है, अब क्या हो गया, हाइड्रोजन आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन जो है वो लो हो गया, अब क्या होगा, अब यहाँ से जो अमीनो ग्रुप है, ठीक है, कौन सा ग्रुप है, अमीनो ग्रुप, ये क्या करेगा, ये प्रोटॉन को लूज कर देगा, यानी कि ये जो प्लस छह चार्ज है ये लूज हो जाएगा। क्लियर, तो अब यहाँ पे इस कंडीशन में क्या होगा कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा H3N C R, यहाँ पे H, इसके बाद आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, C डबल बॉन्ड O O निगेटिव। क्लियर, तो यहाँ पे जो कंडीशन आई है वो क्या हो गई आपकी, हाई पीएच, हाई पीएच। क्लियर, तो अब ये आपकी जो है सेकंड कंडीशन हो गई, ये क्या हो गई, सेकंड कंडीशन। तो यहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि अगर इंटरमीडिएट पीएच पे अगर आपका जो कॉन्सेंट्रेशन अगर हाइड्रोजन एटम्स का जो है वो बढ़ जाता है, यानी कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोजन एटम्स का बढ़ जाता है, तो यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये हाइड्रोजन या प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट कर लेगा, और यहाँ पे आपको जो स्ट्रक्चर है वो इस टाइप का देखने को मिलेगा, क्योंकि इसने हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लिया है, तो यहाँ पे जो पीएच है वो बहुत लो होगा, क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो आपको बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे जो पीएच है वो लो हो गया है, और यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है उसका जो चार्ज है वो पॉजिटिव है। क्लियर, दूसरी कंडीशन क्या है कि जब जो हाइड्रोजन आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो है अमीनो ग्रुप से जो प्रोटॉन है वो रिलीज हो जाएगा, और उसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो है आपका ओवरऑल जो पीएच रहेगा वो हाई रहेगा, क्योंकि ये पे यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है हाइड्रोजन आयन का वो बहुत कम है, लो कॉन्सेंट्रेशन है, जिसकी वजह से जो अमीनो ग्रुप है उसने अपना जो प्रोटॉन है वो रिलीज कर दिया, और रिलीज करने के बाद यहाँ पे अगर हम बात करें मॉलिक्यूल की, तो ये मॉलिक्यूल आपका क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा, तो इस मॉलिक्यूल पे आपका क्या रहेगा, निगेटिव चार्ज रहेगा। ठीक है, तो हायर पीएच पे क्या होता है, निगेटिवली चार्ज होता है, ये आपको याद रखना है, हायर पीएच पे जो मॉलिक्यूल है वो निगेटिवली चार्ज रहेगा उस पर, और लो पीएच पे जो मॉलिक्यूल है उस पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा। क्लियर, तो ये एक जो है कॉन्सेप्ट है कि एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल जो है वो हाई पीएच और लो पीएच पे कैसा काम करता है, और जो मॉलिक्यूल है उस पर ओवरऑल जो चार्ज रहेगा वो कैसा रहेगा। अभी बहुत से कोर्स लाइक के एग्जाम्स में, चाहे आपका CSIR हो, GRF हो, या आपका ICMR या गेट या नीट के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि
अगर लो पीएच पे जो ओवरऑल मॉलिक्यूल है या अमीनो एसिड है उस पर क्या चार्ज रहेगा, और हाई पीएच अगर है तो उस पर जो मॉलिक्यूल है उस पर क्या चार्ज रहेगा। और जो ज्यूटेर आयन के बारे में भी पूछा जा सकता है कि आपका ये ज्यूटेर आयन है ये क्या होता है, ये कैसे एक्ट करता है, इसका मैकेनिज्म क्या है। तो मैंने आपको यहाँ पे पूरा डिटेल में बताया है कि ये जो ज्यूटेर आयन है या एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल है ये कैसे बिहेव करता है, और कौन सी ऐसी कंडीशन होती है जब जो है जो मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, और कैसे जो मॉलिक्यूल के ऊपर जो है वो निगेटिव चार्ज आता है हाई पीएच पे। ठीक है, तो लो पीएच हाई पीएच पे जो मॉलिक्यूल है आपका ओवरऑल उस पर क्या है चार्ज रहता है, तो इसमें में जो है आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।